हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक पीनट की ड्राई चटनी। ये एक्चुअली महाराष्ट्रियन रेसिपी है, बड़ी आसानी से इसे हम बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, ख़राब भी नहीं होती। आप इसको बनाकर कई दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसको बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए लिया है हमने ड्राई रोस्ट मूंगफली, जिसका छिलका हटा दिया है, दो मीडियम गार्लिक बल्ब की कलियां, एक इंच जिंजर स्लाइस, एक छोटा चम्मच तिल, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक, आठ लाल मिर्च, तेल एवं बारीक कटा हुआ सूखा नारियल। वो हमने एक पैन लिया है, उसमें दो टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इसमें रेड चिली जो हमने लिए हैं वो डाले हैं, इसको भूनना है। इसमें जो मॉइस्चर हो वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ी देर इसको भूनना है जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और हमारी चटनी कई दिनों तक हम रख सकते हैं। तो ये हमने भुन गया है। अभी हमने यहाँ पर गार्लिक डाला है, इसका भी मॉइस्चर दूर करना है। इसकी पूरी नमी नहीं रहनी चाहिए इसमें, तो इसकी नमी हटाने के लिए हमें गोल्डन इसको होने तक हमें भूनना है। अभी हमारा लगभग सेक लिया है हमने, अभी ये हो गया है तैयार। अभी हमने एक इंच जो छील के रखा था स्लाइस, उसके अदरक के वो डाला है और इसको भी हमें थोड़ी देर सेकना है। इसको भी गोल्डन होने तक हमें सेकेंगे, जिससे इसका पूरा मॉइस्चर दूर हो जाए। ये भी तैयार हो गया है। अभी डालेंगे हम एक टीस्पून जीरा, इसको भी सेकना है। लगभग हमारा जीरा सेक लिया है, सेक गया है। अभी हमने इसमें एक छोटा चम्मच सफेद तिल, वो भी इसको भी थोड़ा सेकना है। इन सभी का सेकना बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं सभी को हमें सेकना है, जिससे इनके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। अभी जो हमने रोस्ट किए हुए थे मूंगफली, छिलके हटा दिए और इसको भी हमने फिर से सेक लेते हैं। और इसमें हींग 1/4 स्पून, एक पिंच लगभग लिया है, और नमक भी इसमें हमने स्वाद के अनुसार डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। इसमें भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो इसको भी हमने थोड़ा सा किया है। अभी हमारा ये तैयार है। अभी हम लास्ट में डालेंगे बारीक कटा हुआ सूखा नारियल, ये आधा कप लिया था। इसको भी थोड़ा सा सेक लेते हैं, ये गोल्डन हल्का सा ब्राउन आने लग गई है इसके ऊपर। अभी ये हमने सारा निकाल लिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, और जब हम पीसेंगे ऑन ऑफ करके चलाना है। और ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी में सब्जी और चटनी को लगाकर रोल बनाकर कर सकते हैं इसका, और डोसे के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये चटनी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।